लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में पूर्व आईएएस अधिकारी हरिचंद ने कानपुर देहात के मांगटा गांव में हुए दलित परिवार पर हमले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि गांव में बुद्ध कथा के आयोजन से नाराज तकरीबन 80-90 युवकों की भीड़ ने अनुसूचित जाति की बस्ती पर अचानक 13 फरवरी 2020 को जानलेवा हमला किया और जय श्री राम का नारा लगाते हुए कई लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी। दबंगों का करीब एक घंटे तक यह तांडव चलता रहा। पूर्व अधिकारी के मुताबिक उन्मादी भीड़ ने नाबालिग बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ भी की। उन्होंने बताया कि हमले में 40 लोग घायल हुए जिसमें 20 लोग बुरी तरह से घायल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्व आईएएस अधिकारी ने प्रशासन से मांग की है कि दलितों में दहशत पैदा करने के लिए जातीय और धार्मिक भीड़ की अगुवाई करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ रासुका की धाराओं के तहत कार्रवाई हो, पीड़ितों को मुआवजा मिले और नाबालिग बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत कार्रवाई हो। अन्यथा एक घंटे तक वहाँ ठाकुर नौजवान ठाकुरों का ब्राह्मणों का तांडव नृत्य होता रहे, निरीह महिलाओं पर गरीब महिलाओं पर हमला होते रहे, उनके सिर फाड़े जा रहे हैं, हाथ तोड़े जा रहे हैं, गुप्तांगों पर हमला हो रहा है और एक घंटे तक पुलिस वहाँ मूक दर्शक बनी रही। माटी से बहुत दूर नहीं है लेकिन वहाँ रोकने के लिए, प्रभावी तरीके से रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंबुज मिश्रा, जनमत न्यूज़, लखनऊ।